काम वासना, जिस पर जितना बोला जाए उतना कम है। मैं पहले ही काम वासना पर 3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी के इतने कमेंट आए कि काम वासना पर एक वीडियो और बनाइए, तो मैं काम वासना पर एक वीडियो और बना रहा हूँ। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा काम वासना से मुक्ति का वैज्ञानिक रास्ता। काम वासना मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जिन 3 तृष्णाओं के कारण वह भवनेत्री में बंधा रहता है, उसमें काम तृष्णा प्रथम है, प्रमुख है। माता पिता के संभोग से मानव की उत्पत्ति होती है, अतः अंतर्मन की गहराइयों तक काम भोग का प्रभाव छाया रहता है। इसके अतिरिक्त अनेक जन्मों के संचित स्वयं अपने काम संस्कार भी साथ चलते ही रहते हैं। अतः मुक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए काम भोग के संस्कारों से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। अगर विपस्सना मेडिटेशन ना आए तो काम वासना से छुटकारा पाना असंभव सा हो जाता है। काम वासनाओं से छुटकारा पाकर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहता है, परंतु बार बार मन में काम वासना के तूफान उठते हैं और उसे व्याकुल बनाते हैं। व्यक्ति सोचता है कहीं ब्रह्मचर्य भंग ना हो जाए, इसलिए वह कठोरता पूर्वक वासनाओं का दमन करता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने भीतर तनाव की ग्रंथियां बांधता है। दमन द्वारा वासनाओं से मुक्ति मिलती ही नहीं है, इस बात को वह व्यक्ति भूल ही जाता है। भीतर ही भीतर वासना उमड़ती कुलबुलाती रहती है और मन को मोहती रहती है। या दमन द्वारा कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य पालने वाला कोई विश्वामित्र जैसा साधक मेनका जैसी अप्सरा की रूप माधुरी पर फिसल जाता है तो आत्मग्लानी से भर उठता है। ऐसा होने पर अपराध की ग्रंथियां बांध बांध कर अपनी व्याकुलता को और ज्यादा बढ़ाता रहता है। इसीलिए फ्रायड जैसे मनोज्ञाता ने काम वासना के दमन को मानसिक तनाव और व्याकुलता का प्रमुख कारण माना और काम भोग की खुली छूट को प्रोत्साहित किया। अनेक लोग इस मत के पक्षधर बने। आज के युग के कुछ एक साधना सिखाने वाले लोग भी इस बहाव में बह गए। ऐसे लोगों ने काम वासना के रोग को तो ठीक तरह से समझ लिया, पर रोग निवारण का जो इलाज ढूंढा वह रोग के बढ़ाने का ही कारण बन बैठा। काम वासना का दमन एक अंत है जो सचमुच रोग निवारण का सही उपाय नहीं है, परंतु उसे खुली छूट देना ऐसा दूसरा अंत है जो कि रोग निवारण की जगह रोग संवर्धन का ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो तृष्णा के सभी बंधनों को भंग करके विकार विमुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है, इसीलिए वह भगवान कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा इन तीनों से छुटकारा पा लेता है। और जिस विपस्सना विद्या यानी भगवान बुद्ध की ध्यान की विधि द्वारा या मुक्त अवस्था प्राप्त की, उसे ही करुण चित्त से लोगों को बांटता है। विपस्सना साधना की विधि ना तो विकारों के दमन के लिए है और ना उन्हें खुली छूट देने के लिए। विपस्सना विधि इन दोनों अतियों के बीच का मध्यम मंगल मार्ग है, जो जागे हुए विकार को साक्षी भाव से देखना सिखाती है, जिससे कि अंतर्गमन की गहराइयों में दबे हुए काम विकारों को भी जड़ से उखाड़ने का काम शुरू हो जाता है। कुशल साधक समय पाकर इस विधि में पारंगत होता है और काम विकारों का सर्वथा उन्मूलन कर लेता है और सहज भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है। इसके अभ्यास में समय लगता है, बहुत परिश्रम पुरुषार्थ पराक्रम करना पड़ता है, परंतु यह पराक्रम देह दंडन का नहीं, मानस दमन का नहीं, बल्कि मनोविकारों को तटस्थ भाव से देख सकने की क्षमता प्राप्त करने का है, जो कि प्रारंभ में बड़ा कठिन लगता है, पर लगन और निष्ठा से अभ्यास करता हुआ साधक देखते ही देखते सहने सहने उसके मन पर वासना की गिरफ्त कम होती जाती है, वह वासना से मुक्त होता जाता है। दमन नहीं करने के कारण कोई तनाव भी नहीं बढ़ रहा है और समय पाकर सारे काम विकारों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का जीवन जीना सहज हो जाता है। यह सब कैसे होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। पुरुष के लिए नारी के और नारी के लिए पुरुष के रूप शब्द गंध रस और स्पर्श से बढ़कर अन्य कोई लुभावना आलंबन नहीं होता। यह पांचों आलंबन आंख कान नाक जीव और त्वचा की इंद्रियों पर आघात करते हैं, अथवा इनकी याद और कल्पना चिंतन के रूप में मन की इंद्रिय पर आघात करती है, तो ही वासना के विकार जगने का काम आरंभ होता है। पहली पांचों इंद्रियां शरीर पर स्थापित है ही, छठी मन की इंद्रिय भी शरीर की सीमा के भीतर ही होती है। अतः विपस्सना साधना का अभ्यास 3.5 हाथ कि काया के भीतर ही किया जाता है, बाहर नहीं। काम तृष्णा जहां जागती है वहीं उसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। 3.5 हाथ की काया में इंद्रिय सीमा क्षेत्र के भीतर इसकी उत्पत्ति होती है, यही निवास और संवर्धन होता है। अतः विपस्सना द्वारा यही इसका उन्मूलन किया जा सकता है। देखना यह है कि बाहर के आलंबन ने अपने भीतर क्या खटपट शुरू कर दी।
आंख कान नाक जीभ और त्वचा पर रूप शब्द गंध रस और स्पर्श का संपर्क होते ही यानी प्रथम आघात लगते ही अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर इंद्रिय दरवाजे पर और फिर सारे शरीर पर प्रकंपन होता है, एक प्रकार की वेदना होती है। वेदना स्पर्श होते ही संवेदना जाग जाती है, जैसे कांसे के बर्तन को छू लेने से उसमें झंकार की तरंगे उठती हैं। इस प्रथम आघात के तुरंत बाद मानव का वह हिस्सा जिसे संज्ञा कहें या बुद्धि कहें, वह अपने पूर्व अनुभव और याददाश्त के आधार पर इस आलंबन को पहचानता है यह पुरुष अथवा नारी का रूप शब्द गंध आदि है और फिर उसका मूल्यांकन करता है, ओह बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। ऐसा करने पर शरीर पर होने वाली यह तरंगे प्रिय प्रतीत होने लगती हैं और मनुष्य उनके प्रति राग रंजित होकर उनमें डूबने लगता है। प्रचंड वेदना की संवेदना से ही काम तृष्णा होती है, यही से काम वासना का दौर शुरू हो जाता है। बार बार रूप शब्द गंध आदि संबंधी इंद्रियों से टकराते हैं, बार बार प्रिय मूल्यांकन होता है और बार बार प्रतिक्रिया स्वरूप वासना के संस्कार बनते हैं। यूं क्षण प्रति क्षण एक के बाद एक वासना के संस्कार बनते बनते पत्थर की लकीर जैसे गहरे हो जाते हैं। जब रूप शब्द गंध रस आदि बाहर आलंबन प्रत्यक्ष आंख कान नाक आदि इंद्रिय द्वारों से संपर्क करना बंद कर देते हैं तो छठी इंद्रिय का दरवाजा खुल जाता है। अब मन की इंद्रिय पर पूर्व अनुभूत रूप शब्द गंध आदि के आलंबन कल्पना और चिंतन के रूप में टकराने लगते हैं, फिर वही क्रम चल पड़ता है। आघात से प्रकंपन का होना, फिर प्रिय मूल्यांकन, फिर संवेदना, फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वासना के संस्कारों की उत्पत्ति, क्षण प्रतिक्षण चिंतन का आलंबन चित्रधारा से टकराता रहता है और क्षण प्रतिक्षण वासना का संस्कार पैदा होता रहता है। यह क्रम जितनी देर चलता है वासना उतनी बलवान होती जाती है। मन पर उमड़ती हुई यह तीव्र वासना वाणी और शरीर पर प्रकट होने के लिए मचल उठती है। सारा का सारा चित्र वासना के प्रभाव में डूब जाता है। वासना में डूबे हुए व्यक्ति की स्मृति यानी जागरूकता बनी रहती है। वासना व्यथित व्यक्ति स्मृति मान रहता है यानी कि सजग रहता है, परंतु सजग रहता है केवल रूप शब्द गंध रस स्पर्श अथवा चिंतन के आलंबन के प्रति। इन छह में से किसी न किसी आलंबन पर उसका ध्यान लगा रहता है। यही आलंबन का रास्ता उत्तेजना को उद्दीप्त करता है और मानव को काम वासना के जंजाल में फंसा देता है। एक बार काम वासना के जंजाल में फंसने के बाद उसमें से बाहर निकलना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है और धीरे धीरे काम वासना उसे जकड़ती रहती है और व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। काम तृष्णा उसे इतना जकड़ लेती है कि वह सोच ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब काम वासना पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेती है तो वह व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी प्रकार के जप तप कर ले, परंतु काम वासना से बाहर निकलना उसके लिए असंभव सा होने लगता है। बहुत से साधक विपस्सना मेडिटेशन के माध्यम से काम वासना से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जब काम वासना उन पर हावी हो जाती है तो विपस्सना मेडिटेशन भी काम नहीं आती। क्योंकि सिर्फ विपस्सना मेडिटेशन कोई ऐसी टेक्निक नहीं, कोई ऐसा उपचार नहीं जो एक बार आपने कर लिया और आप काम वासना से मुक्त हो गए। विपस्सना मेडिटेशन को आपको निरंतर करना होगा और किस प्रकार विपस्सना मेडिटेशन करना है यह मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि विपस्सना मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखती है। आपको विपस्सना मेडिटेशन कैसे करना है, कितने समय तक करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और एक ही वीडियो में सब कुछ बताना असंभव सा लगता है। और अगर मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें। तो आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि काम वासना कैसे हम पर हावी होती है, काम वासना कैसे हमारे पांचों इंद्रियों पर हावी होने लगती है, यह सब हम इस वीडियो में जान ही चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि काम वासना से बाहर कैसे निकले, कैसे विपस्सना मेडिटेशन का प्रयोग करें और काम वासना से अपने आप को दूर कर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाए होंगे कि काम वासना किस प्रकार मनुष्य को जकड़ती है, उसका क्रम क्या है, वह कैसे हमारे मन पर आघात करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके
और काम वासना के जंजाल से अपने आप को आसानी से निकाल सकें। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।